कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हो भाई भाई, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। और हमारे देश की खूबसूरती तभी है जब मंदिर से घंटा बजे और मस्जिद से अजान और गुरुद्वारा से हो गुरुवाणी, तो यही है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन आज जिन्ना और इन सब पर बात हो रही है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर, हर उन मक्कारों से कह देना चाहता हूँ, और खासकर मैं साहिबाबाद विधानसभा के उन गद्दारों से जिन्होंने साहिबाबाद की जनता को ठगने और लूटने का काम किया है, अगर किसी ने भी किसी खास विशेष वर्ग के खिलाफ एक शब्द भी उल्टा बोलने का काम किया तो उसके सामने गामा खड़ा मिलेगा। किसी भी गरीब कमजोर मजदूरों को सताने की किसी ने जहमत भी उठाई उसके सामने गामा ये खड़ा मिलेगा। किसी भी बिहार और पूर्वांचल के लोगों को अगर किसी ने भी उंगली उठाने की कोशिश की तो ये गामा ओवैसी साहब का सिपाही सीना ताने उसके सामने खड़ा मिलेगा। जिस तरीके से जिन्ना की बात चल रही है आजकल, क्या कहेंगे ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान और इन सब चीजों, आपने मेरे नेता का विचार सुना होगा जिन्ना साहब के ऊपर। जिन्ना साहब पाकिस्तान के हैं, हमारे गांधी जी हैं साहब। हम गांधी जी की बात करते हैं, हम नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद करते हैं, हमारा नेता वो है। तो क्या वोटर्स बटेगा नहीं इन सब चीजों पे, जिस तरीके राजनीति कर, जिसे देश से प्यार है, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से प्यार है, वो ओवैसी साहब के साथ है और साथ चलना चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा और सपा से, क्या आपके अलग मुद्दे हैं? देखिए, भाजपा और सपा की तो नुरा कुश्ती जनता ने देख ली, आपने देखा होगा कुछ विधायक जब भाजपा की सरकार आनी थी तो सपा वाले वहाँ चले गए, आपने देखा होगा सपा के परिवार के लोग भी चले गए, और जो भाजपा में सत्ता का आनंद लिया, भाजपा में रहकर हम गरीब मजदूर किसान दलित वंचितों पे जो है अपने ताकत से हमारा हनन करने का काम किया, फिर आज पुनः कहीं और चले गए, तो ये दोनों जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं, और इस परिपाटी को खत्म करने के लिए मेरा नेता चला है और ये ऐसा ही होगा। आज योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश की बी टीम है ओवैसी की पार्टी, और इसके पहले अखिलेश कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है ओवैसी पार्टी, आप क्या कहेंगे, आप किसकी? देखिए, सारी पार्टी बी टीम है और उत्तर प्रदेश और साहिबाबाद की जनता ए टीम है। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता, क्योंकि सभी पार्टी ने, कहते ना कि किसका किसका नाम बताऊं, सबने मिलकर लूटा है, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने हम हिंदुस्तानियों को, हम उत्तर प्रदेश वासियों को लूटने का काम नहीं किया है। एक ही नेता है, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब, जो सबको उसका अधिकार और हक दिलाने चला है। तो गामा साहब, क्या लगता है जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं उसमें सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, आपकी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है? देखिए, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा दे करके अपने समर्थन में प्रचार नहीं करा सकते, लेकिन आम जन की आवाज़ है, वो गोदी मीडिया क्या कर रही है उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद जरूर करूँगा, आपकी माँ को सैल्यूट करता हूँ जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, वेब मीडिया समाज की वास्तविकता को समाज के बीच परोसता है, और आप लोकतंत्र को बचाने में अग्रणी है, सैल्यूट है आपको। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी यूपी में आपकी? सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी और उस कुर्सी पर वही बैठेगा जो सच्ची सेक्युलरिज्म की बात करेगा। लेकिन क्या लगता है, जो पश्चिमी यूपी का अभी चुनाव होने जा रहा है पहले चरण में, उसमें जाट है, जाटों का वोट किस तरफ जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जाट ही नहीं, सर्व समाज का नेता हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, और ईमानदारी की एक मिसाल दिया जाता है उनका। लेकिन आप जब ग्राउंड रिपोर्ट में आप लेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे ईमानदार नेता के नाम पर टिकट को बेचने का जो खेल खेला जा रहा है उसका जवाब जनता देगी। योगी जी बार बार धमकी दे रहे हैं कि 10 मार्च को जीतने के बाद जो धमकियां आ रही हैं प्रत्याशियों की तरफ से वो नहीं आएंगी, फिर इस तरीके से आपको क्या लगता है? क्या ये तालिबान हो जाएगा? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आगे रखकर हर जालिमों से जंग करने के लिए हम तैयार रहेंगे। लेकिन जो आरोप गामा जी बीजेपी पर लगता है, वही तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है? नहीं नहीं, हमारी पार्टी राजनीति करते हैं, हमारी पार्टी सबकी बात करती, लेकिन साहब आपका कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पाता। जब हमारी बहन, हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ दुराचार होता है, उनके परिजनों के साथ जब अधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो दर्द मेरे नेता को होता है। जब विवेक तिवारी की हत्या होती है योगी बाबा की पुलिस के द्वारा, तो भी दर्द होता है। जब गुप्ता जी की हत्या योगी बाबा के गृह जनपद में हो जाता है, तो भी मेरे नेता की आंखों से आंसू छलकता है। लेकिन आपका कैमरा सिर्फ इतना ही दिखाता है कि ओवैसी साहब ने कहा है पहलू खान के साथ जुल्म हुआ, तो इस परिपाटी को आप लोग बदल दें। देश एक है, देश एक रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। गामा जी सपा के लिए काम करते रहे, आखिर क्या वजह रही जो मंजलिस का हाथ थामना पड़ा?
जब आप, आपका मकसद क्या होता है? राजनीति करने का दो ही मकसद होता है, या तो आप अपने आप को बचाने के लिए राजनीति करते हो, या फिर आप दूसरों के लिए राजनीति करते हो। तो जब आपके दिल में दूसरों के लिए राजनीति करने की मंशा होना, तो और जिसके बैनर के नीचे आप हो, अगर वो राह से भटक रहा हो तो वो राह छोड़ देना चाहिए। सपा राह से भटक रही है, पूंजीवाद हो गई, और पूंजीवाद के खिलाफ हमने साल भर आज़ाद हिंदुस्तान में बॉर्डर पर रहकर किसानों के साथ संघर्ष किया है, तो पूंजीवाद का समर्थक हम नहीं हो सकते। तो बिजली फ्री देने की बात करें 300 यूनिट, हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें रोजगार चाहिए। युवाओं के हाथ में काम होगा, वो कमाकर देश को देना चाहता है, देश से लेना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे कम उठा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ये सवाल तो आप उनसे पूछेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों की हितैषी ये पार्टियाँ हैं, कितनी टिकट दे दी, इसके बारे में आप भी लोगों को बता दें। आज बीजेपी उम्मीदवारों का खदेड़ा हो रहा है, पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं पश्चिमी यूपी में, क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी ही नहीं, हर उस नेता का खदेड़ा इस उत्तर प्रदेश विधानसभा में होगा जिसने हमारे लोगों पर जुल्म करने का काम किया है, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जब भी उनके क्षेत्र में जाएंगे उनका खदेड़ा होगा और पतंग जो है ऐसे करके घर घर उड़ता चला जाएगा। लेकिन विधायकों के ऊपर पत्थर फेंकना क्या सही है, मतलब इस तरीके से? देखिए, संविधान हमें इजाजत नहीं देती है, क्योंकि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन कहते हैं कि फुटबॉल को आप जितना जोर से मारोगे ना, तो कभी कभी बैक में आपको भी रिटर्निंग मिलता है। तो घटना घटती है, उस घटना के लिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आप पत्थर की जगह फूल मारे उनको। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि ओबीसी जो है ना, वो बीजेपी के बी टीम के लिए काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सारी पार्टियां बी टीम है, क्योंकि ओबीसी साहब से लोगों का जो मक्कार लोग हैं, जो खूनी भेड़िया हैं, जो जनता के खून को पीकर और रात में बड़ी जोर से हंसते हैं कि आज की इतने मर गए और इतने बच गए, ऐसे लोगों का जमीन खिसकता नजर आ रहा है, और मेरा नेता लोगों की आवाज बनकर वोट कटवा का काम करेंगे। हम जीतने वाले हैं साहब, जनता सिर्फ 10 मार्च का इंतजार कर रहा है, और उसे पता है कि मीम का झंडा लखनऊ में लहराने वाला है। नहीं, आपको टिकट नहीं मिला तो आप सपा बुरी हो गई आप? नहीं नहीं, टिकट हमारी, आप मेरी हैसियत अगर आप वाकई में देखना चाहोगे, ये मकान मैं किराए पे हूँ, मेरा अपना मकान नहीं है, एक कमरे का में मैं रहता हूँ, 22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, कई सरकारें हमने देख ली, अगर दौलत का लालसा होता तो कई मकान हमारे भी होते, लोगों को हमने, लोगों का जो कारवा आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने उनकी मदद की होगी, कहीं ना। आपको अभी पता पड़ा कि पूंजीवाद होगी समाजवाद, पहले से पता? नहीं, पहले से नहीं था, हमें यह था कि ये लोहिया जी के विचार पे चलने वाली पार्टी है। लोहिया जी कहा करते थे कि भाई जाति बदलो, जाति तोड़ो, दूर किनारे बैठे हुए लोगों को नज़दीक लाने का काम करो, लेकिन जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों को ही आगे लाने का काम कर रही है, और उद्योगपति अपने हित में ही निर्णय लेगा, आपने देखा कि केंद्र में जो आज राज्यसभा सांसद हैं 80% लोग पूंजीपति हैं। बिहार के जिला खेल तो नहीं बिगाड़ दोगे इसे यहाँ भी? बिहार में हमने अपना खेल बनाया, मेरा प्रचार करें, आप क्यों दूसरे का प्रचार कर रहे हैं? हमने 12 में 5 जीता है, अगर हम, आप सबका लक्ष्य बीजेपी को हराना है ना? बीजेपी को हराना नहीं, बीजेपी ने और सपा बस कांग्रेस बसपा जो भी कुकृत्य किया है उससे हमें इन लोगों को आज़ादी दिलाना है। बीजेपी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, सपा से कोई लड़ाई नहीं है, हमें लड़ाई है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिया वो अधिकार दिलाने की लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ने हम चले। लास्ट में विलय हो सकता है पार्टी? विलय का क्या सवाल उठता है साहब, जनता हमारे साथ और विलय हम कर ले, संभव ही नहीं है। अगर एक दो सीट आए किससे गठबंधन? एक दो सीट क्यों आएगी, 70 सीट हमारी आ रही है, 70 सीटों पे आ रही है, हमारी ताकत आ रही है 70 सीटों का जी। अखिलेश यादव कह रहे 400 प्लस, तो आपकी 70 कैसे जाएंगे? अब योगी बाबा से पूछिए कि वो कितना प्लस कर रहे हैं, कब मठ में जा रहे हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। योगी जी कह रहे हैं जो पैसा कब्रिस्तानों में लगता था ना, अब विकास में लग रहा है। जिस गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, और इसी गाजियाबाद में एक मुरादनगर है, बड़ा ही दर्दनाक घटना घटा था मंदिर में, शमशान में, जो कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात कर रहे हैं, वो शमशान में किस तरीके से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई कि कल तक लाशें घर से शमशान जाया करता था, लेकिन आज लाशें जो है शमशान से घर पहुंचा, और आज भी उनके परिजन उचित मुआवजाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इन सरकारों की क्या बात करनी, सिर्फ एक ही नेता, एक ही बात, वो है बैरिस्टर ओवैसी साहब, जिंदाबाद। एक पंडित जी ने ओवैसी को अपना महबूब बना लिया, आखिर क्या वजह रही? पंडित होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ,
और गर्व है मुझे कि मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखता हूँ। और हम सब की सोच, पंडित हो, जाट हो, जाटव हो, जो भी समाज के लोग हो, हम समझते हैं हर किसी के दिल में हमारा देश धड़कता है, हिंदुस्तान धड़कता है। अगर हिंदुस्तान धड़कता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर से, संविधान से प्यार करता होगा, और जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहता है वो हमारे साथ चलेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया बैरिस्टर साहब। बिल्कुल गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर की राह पे चल चुके हैं। आपको मुद्दतों बाद एक बैरिस्टर आया है जो इन जालिमों से आज़ादी दिलाना चाहता है, और हम संघर्ष करने वालों में से हैं, संघर्ष करने वालों के वंशजों में से हैं, इसलिए हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए, देश के लिए संघर्ष करें। जो लोग बाहरी बताते हैं उनके लिए क्या कहोगे? जो लोग ओबीसी साहब को बाहरी बताते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना, पतंग उड़ाने का समय है। अमित शाह जी आजकल कैराना की बात करते हैं, कैराना पहुंच के पलायन की बात करते हैं, तमाम मुद्दों को इस तरीके से मतलब ले जाया जा रहा है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है बात। अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। देखिए अब शाह जी हैं, अब उनको हम गुजराती कह दें तो कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको लोग बिहारी कह के दुत्कारता है तो भी हम कहते हैं भैया हम हिंदुस्तानी हैं। तो कहने दीजिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब नहीं चलेगी, बहुत हुआ, अब तो चुटिया दाढ़ी साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा।